लोकसभा और राज्यसभा विपक्षी सदस्यों ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। इस पर सदन में हुए शोर शराबे के बीच लोकसभा राज्यसभा से कुल 92 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई पर अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए शेयर किया, संसद की सुरक्षा में खतरनाक चूक हुई। इस लापरवाही पर जवाब मांग रहे विपक्ष के 92 सांसदों को तानाशाह सरकार ने सस्पेंड कर दिया। जो सरकार संसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी, उसने लोकतंत्र को कलंकित कर डाला। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक तरह से समूचे विपक्ष को ही संसद से बाहर कर दिया गया है। ये भारतीय लोकतंत्र पर इतिहास का सबसे शर्मनाक हमला है। देश की जनता देख रही है कि जिस लोकतंत्र को लाखों कुर्बानियों के दम पर हासिल किया गया, उसे किस तरह रौंदा जा रहा है। गौरतलब है कि सोमवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामे पर पहले लोकसभा से 33 सदस्यों को सस्पेंड किया गया। इसके बाद राज्यसभा में भी कार्रवाई में व्यवधान डालने की वजह से सभापति ने विपक्ष के 45 सांसदों को बाकी शीतकालीन सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद से विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर पूरी तरह हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के तेवरों से लग रहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में सड़क पर उतर सकती हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं सहित विपक्षी पार्टियों के अन्य नेताओं की भी इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर बुरी तरह बिफरा विपक्ष आगे इसको लेकर किस तरह से आवाज उठाता है। श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉक्टर टी सुमति, श्री के नवासकानी,